आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज में शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं और एक ऑर्गन होता है बॉडी में पैनक्रियाज, जिससे इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है। अब डायबिटीज में शुगर लेवल्स बढ़ जाती है क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, या अगर ये मात्रा नॉर्मल भी है पर ये सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही, तो शुगर लेवल्स बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाती है। पहले तो पैनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेट करके इस शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेता है, बट कई सालों की डायबिटीज के बाद ये अधिकतर मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है, इसलिए शुगर लेवल्स बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाता है। 90% जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। वो डायबिटीज में शुगर लेवल्स बढ़ने के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। उससे आंखें खराब हो सकती हैं, रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, और कई साल की डायबिटीज के बाद जब शुगर लेवल्स एकदम ही कंट्रोल ना हो तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शुगर लेवल्स चेक करें हर 3 महीने में और अपने फिजिशियंस के संपर्क में।